आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एंग्लो इंडियन न्यूज के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है औरास उन्नाव से, जहां भाजपा प्रत्याशी के बाद अब सपा प्रत्याशी पर लगा बीडीसी सदस्य को अगवा करने का आरोप। औरास के पूर्व ब्लॉक प्रमुख व सपा नेता ज्ञानेंद्र सिंह व उनके समर्थकों पर बीडीसी के पिता ने लगाया बेटे को अगवा करने का आरोप। पीड़ित ने थाना अध्यक्ष औरास को प्रार्थना पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार। ज्ञातव्य है कि जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आता है वैसे ही प्रत्याशियों की बढ़ने लगती है धड़कने, और दबंग बेखौफ प्रत्याशी कुछ भी करने पर हो जाते हैं आमादा। इसी का परिणाम है कि जगह जगह पर बीडीसी सदस्यों को अगवा करने का आरोप लगाया जा रहा है। कहीं न कहीं मामला जांच का विषय अवश्य बनता है। कुल मिला के जाँच के बाद में ही सच की तह तक पहुंचा जा सकता है। और आज उन्नाव से राजेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट एंग्लो इंडियन न्यूज। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हेमराज। आप कहाँ के निवासी? हम ग्राम रामपुर राई के निवासी। क्या मामला है? मामला है हमारा लड़का बाग में एक ब्रह्म बाबा है वहाँ बैठा था, और उधर से गाड़ी आई, चार छः लोग थे और जबरदस्ती उठा कर उसमें डाल लिए। कौन कौन था वो प्रत्याशी? ब्लॉक प्रमुख ज्ञानेंद्र सिंह। अच्छा, और कौन कौन था उनके साथ में? चार छः आदमी और थे, उनको हम कोई जानते हैं दूर। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका लड़का क्या है? आपका लड़का? हमारा लड़के को डाल लिया। अच्छा, बीडीसी है, लेके चले गए? चले गए। उसके बाद हमने फ़ोन किया, जब गांव गए दो चार दिन में फ़ोन किया, पता लगाया तो कौन थी कौन, उसके बाद फ़ोन किए तो हमें क्या क्या वहाँ आया है तो कहे नहीं यहाँ कोई नहीं आया है। उसके बाद हम चल कर भी गए, बीडीसी ने बताया कि चलो हम मिला देते हैं, पिताजी आए हैं उनके तो हमका मुलाकात करना है, तो कहे चलो हम मिला देते हैं। वहाँ गए हम तो घर पर गए थे, एक गाँव के किनारे तीन चार घूमती हैं, मतलब छोटा वोटा की दुकान है, तो वहाँ कहें कि मतलब ऐसा है हमारे पास है, तो मुलाकात होगी उनके पास। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलती रहे।